सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो यार आज हमारे पास एक बड़े कमाल की चीज, तो ये है C2 3.5 mm अडैप्टर। ये है वन प्लस कंपनी का। अब यहां पर आप लोगों को मैं सबसे पहले ये बता दूंगी आखिर इसका काम क्या है। तो यार आप सभी को मालूम है कि आजकल सभी कंपनियां, जितनी भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं, वो सारी जो है अपने मोबाइल फोन से ऑडियो जैक हटा रही है। 3.5 mm का जो ऑडियो जैक होता है उसको हटा दिया है। आगे आने वाले समय में किसी भी फोन में आपको देखने को ये नहीं मिलेगा। अब यहां पर अगर हमें एयरफोन्स यूज करने होते हैं वायर वाले कुछ इस तरीके की, तो हम अपने फोन में यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल 3.5 mm वाले ऑडियो जैक आ ही नहीं रहे हैं फोन के अंदर। तो यार इस चीज को यूज करने के लिए है ये है अडेप्टर। तो इस चीज को आप यूज करके उसके बाद आप अपने फेवरेट एयरफोन्स यूज कर पाएंगे। अब यहां पर जैसे कि मैंने एक रिसेंटली फोन लिया है जो कि ये है ओप्पो रेनो 5 प्रो। इसके अंदर आप देख सकते हैं कहीं पर भी जो है मतलब ऑडियो जैक नहीं दिया गया है। फ्रंट पे भी कहीं पर भी मतलब ऑडियो जैक इसमें नहीं दिया गया है। तो यार यहां पर मैं अपने फेवरेट वाले एयरफोन्स यूज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे इस अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी। तो यार बहुत ही कमाल की चीज है, मतलब जो चीज फोन से मिसिंग हो रही है आजकल, उस चीज को मतलब आप यूज कर पाएंगे मतलब अपने फोन के अंदर, तो काफी अच्छी बात है। तो चलिए फटाफट इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि आखिर कैसे क्या कनेक्ट करना होता है, और सारी जानकारी आप लोगों को देता हूं। इसका प्राइस क्या है ये भी आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। और ये मैंने वन प्लस कंपनी का लिया है, बाकी लोकल भी मिल जाता है। अगर आपको लोकल लेना है तो आप लोकल भी ले सकते हैं। आगे बताऊंगा कि लोकल और कंपनी की चीजों में क्या फर्क होता है। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार ये है वन प्लस कंपनी की तरफ से आने वाला टाइप C2 3.5 mm ऑडियो अडेप्टर। अगर आप लोकल मार्केट से लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा किसी दूसरी कंपनी का, जो कि लोकल कंपनी होगी, वो जो है आपको 100 रुपए तक मिल जाएगा। लेकिन यहां पर इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ये जो है वन प्लस कंपनी का है। अगर हम यहां पर बात करें प्राइस की, तो इसका प्राइस जो है 390 रुपए, यानी कि 400 रुपए। तो यार 400 रुपए ज्यादा होते हैं, मतलब इतनी छोटी सी चीज और 400 रुपए। तो यार यहां पर मैंने 400 रुपए इसीलिए खर्च किए क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगर आप लोकल कोई चीज लेते हैं तो वो यार लोकल ही होती है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उससे ज्यादा नहीं चलेगी और खराब हो जाएगा। तो यार यहां पर ये है वन प्लस कंपनी तरफ से आने वाला, तो यार ये ओरिजिनल चीज है, तो यहां पर जो है ये काफी लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है, इसीलिए मैंने यहां पर जो है वन प्लस कंपनी का लिया। अगर आपको लेना है तो आपको जो है वन प्लस स्टोर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वन प्लस स्टोर से ही लिया है और ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको लेना है तो आसपास अपने देखना है कि वन प्लस स्टोर कहां पर है, वहां से जाकर के आसानी से इसको ले सकते हैं। चलिए फटाफट इसको जो है ओपन करते हैं, यानी कि अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसा क्या जो है अडेप्टर देखने को मिलेगा, और मतलब 400 रुपये फालतू में चले तो नहीं जाएंगे। तो चलिए यार पैकिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी है, ये है इतनी छोटी सी चीज़ और 400 रुपए की है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं मिलता है, एक नॉर्मल सा कार्ड मिलता है, पता नहीं क्या चीज़ है, आई डोंट नो क्या चीज़ है यार। यूज़र मैनुअल वगैरह तो मतलब इतनी छोटी सी चीज़ के लिए कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए तो यूज़र मैनुअल होगी नहीं। तो यार यहाँ पर मतलब बस इस तरीके से जो है पैक करके रखा गया है अडेप्टर। चलिए इसको निकालते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी तो यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसको भी रखते हैं साइड में। तो यार बस ये चीज़ है 400 रुपए की, इतनी छोटी सी चीज़ 400 रुपए की है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लेकिन यार क्वालिटी है, ये आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि क्वालिटी है, नंबर वन क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। वन प्लस कंपनी जो कि एक बड़ी ब्रांड कंपनी है, तो यार मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है, जो कि काफ़ी प्यारा कलर है यहाँ पर, और ये अडेप्टर भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। चलिए इसको यूज़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करना होता है। तो ये है हमारे पास ओप्पो रेनो 5 प्रो, तो यहाँ पर जो है ऑडियो अडेप्टर नहीं है इस फ़ोन के अंदर, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इस चार्जिंग पोर्ट में। उसके बाद क्या करना है, अब आप यहाँ पर जो है आप आसानी से अपना प्यारा सा एयरफोन यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने लगा दिया, ये लग गया कटक सेवा जाई और ये लग गया। तो यहां पर देख सकते हैं कि एयरफोन का निशान आ चुका है, सिंबल आ चुका है, तो यहां पर जो है कनेक्ट हो चुका है। तो यार बस इस काम में आता है ये छोटा सा अडेप्टर, मतलब छोटी सी चीज और बड़े ही कमाल की चीज, मतलब
पावर बहुत ज्यादा है, आप खुद ही देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर इस फोन के अंदर कहीं पर भी 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी मैं अपने फेवरेट एयरफोन यूज कर सकता हूँ इस एडेप्टर की मदद से। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर किसी तरीके की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और आप अलग से एक्स्ट्रा माइक यूज करते हैं 3.5mm प्लग वाला, तो आप वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यार यहाँ पर बात कर लेते हैं वैल्यू फॉर मनी है ये एडेप्टर या फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, 400 रुपये प्राइस है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं, तो यार बिल्कुल है। यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी यहाँ पर दी गई है और वन प्लस का ब्रांड है, मतलब कंपनी बहुत ही तगड़ी कंपनी है। तो यार यहाँ पर आपको कोई भी मतलब घटिया चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। वायर क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो यार बिल्कुल ये वैल्यू फॉर मनी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको वन प्लस स्टोर जाना पड़ेगा क्योंकि ये जो है अवेलेबल नहीं है। तो यार बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। नमस्कार, मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।